सलमान खान का ग्रह मारेंगे जोधपुर में मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ये वो गैंगस्टर है जो जेल में बंद होकर भी अपनी बादशाहत चला रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक और ऑडियो फिर सामने आया है, जिसमें वो एक शख्स और उसके परिवार को कच्चा चबाने की धमकी दे रहा है। हाल ही के दिनों में आपने एक नाम जरूर सुना, वो शख्स कहता है कि आप मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं आपको कच्चा चबा जाऊँ। वो शख्स कहता है कि मेरी जिंदगी का केवल एक मकसद है, वो है सलमान खान को मारना। वो शख्स कहता है कि ये सब मैं रिएक्शन में ही आके करता हूँ, पहले किसी पे वार नहीं करता। इसके साथ ही वो शख्स जेल में बैठकर अपना पूरा गैंग चलाता है। इस शख्स का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जहाँ भी सुना होगा पूरे सेंस में ही सुना होगा, या इसने किसी को धमकी दी होगी या किसी को जान से मारा होगा, इस सेंस में ही इसका नाम सुना होगा। तो इस वीडियो में हम इस शख्स के बारे में जानेंगे, कौन है ये शख्स, क्यों ये सबको धमकी देता है, क्यों इसकी जिंदगी का टारगेट सलमान खान को मारना है और कैसे ये जेल में बैठकर अपना पूरा गैंग चलाता है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब में हुआ था। पंजाब में एक गाँव है फाजिलका, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। बचपन से पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट था। स्कूलिंग खत्म करने के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला गया और चंडीगढ़ में इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दौरान अन्य युवाओं की तरह इसने भी राजनीति में कदम रखा। पंजाब यूनिवर्सिटी में इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया और यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए इसने चुनाव लड़ा, किंतु इस चुनाव में इसको हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के दौरान इसका विरोधी ग्रुप से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलियां तक चल गई थी। विरोधी ग्रुप द्वारा इसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई, जिससे लॉरेंस इतना बौखला गया और बदला लेने का भूत इसके सर पे सवार हो गया। फरवरी 2011 में इसने अपने विरोधियों पर गोली चलाई। इसके बाद में पुलिस द्वारा इसे हिरासत में लिया जाता है। फरवरी 2015 में ये पुलिस हिरासत से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर पुलिस इसे वापस गिरफ्तार कर लेती है। फिर ये जेल में बैठा बैठा अपने धीरे धीरे नेटवर्क जमाना शुरू करता है। इसी दौरान इसको अजमेर जेल में भेजा जाता है। तब इसकी मुलाकात गैंगस्टर आनंद पाल से होती है। इसी दौरान ये आनंद पाल की क्लोज आ जाता है और आनंद पाल के दो दुश्मनों को मारने में आनंद पाल की मदद करता है। 27 अगस्त 2017 को इसने सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करी थी तथा सितंबर में वासुदेव की हत्या की थी। ये दोनों दुश्मन आनंद पाल के थे। इसके बाद से ही लॉरेंस को आनंद पाल गैंग का पूरा समर्थन मिलना शुरू हो गया। दोनों ने मिलकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में अपना नेटवर्क मजबूत किया। इसके बाद और भी कई गैंगस्टर से इसने हाथ मिलाया, जिसमें काला जेठड़ी, जग्गू भगवैया, अनुराधा चौधरी, ये सारे गैंगस्टर शामिल थे। मीडिया में सबसे पहले लॉरेंस का नाम तब आया था जब इसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। अब जरा देख लेते हैं कि सलमान खान से इसकी क्या दुश्मनी। दुश्मनी को समझने के लिए आपको इसके सरनेम को देखना होगा, लॉरेंस बिश्नोई। ये जो बिश्नोई समाज है, ये 20 और 9 नियमों को मानता है। इसके एक नियम है पर्यावरण की सेवा करना और पशुओं की रक्षा करना, ये भी शामिल है। सलमान खान अपनी मूवी हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान 1998 में जोधपुर में थे। इसी दौरान कहा जाता है कि सलमान खान अपने 7 को एक्टर्स के साथ में एक जिप्सी में सवार होकर जानवरों के शिकार के लिए गए। इसी दौरान सलमान खान के द्वारा 2 काले हिरणों की हत्या कर दी जाती। जब सलमान खान द्वारा गोली चलाई गई तो गांव वालों के अनुसार जब वो वहां पे पहुंचे तो 2 हिरण मर चुके थे और एक जिप्सी में सवार होकर कुछ लोग भाग गए थे। गांव वालों ने गाड़ी के नंबर नोट कर लिए थे। जब नंबर वेरीफाई किए गए तो पता चला ये गाड़ी किसी अरुण यादव के नाम पर है। अरुण यादव से पूछताछ से पता चला कि गाड़ी हरीश दुल्लानी संभाल रहा था। जब पुलिस ने हरीश दुल्लानी से पूछा तो हरीश दुल्लानी ने अपने बयान में बताया गाड़ी में 7 लोग सवार थे, सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, हरीश दुल्लानी पीछे बैठे थे। इसी दौरान सलमान खान के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें काले हिरण की मौत हो गई। दरअसल ये मामला इतना सिंपल है नहीं। बिश्नोई समाज के लिए जो हिरण है ना, वो एक पूजनीय है। इस समाज में लोगों ने पर्यावरण के लिए अपनी जान तक दी है, तो उनके लिए हिरण पूजनीय है। जब उनके भगवान की कोई हत्या करेगा तो उस प्रकार से उनका रिएक्ट करना नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना या उसके जान से मारने का प्रयास करना ये सही है, पर तो जिस प्रकार से बिश्नोई समाज रिएक्ट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं उचित ही है। बिश्नोई समाज का कहना है कि सलमान खान को इस चीज का रिग्रेट होना चाहिए और उसको माफी मांग लेनी चाहिए। वहीं सलमान खान की ओर से कहा जाता है कि सलमान खान ने ना तो हिरण का शिकार किया है और ना वो माफी मांगेगा। यहाँ एक ओर जहाँ सलमान खान का ईगो दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर बिश्नोई समाज का आत्मसम्मान आ जाता है। यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सलमान खान जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक उसको भुगतना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई का
और भी कई हत्याओं में नाम आ चुका है, जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में इसका नाम आ चुका है, पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका नाम आ चुका है, अभी कुछ ही दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी इसका नाम सामने आ चुका है। पहले ये पंजाब जेल में बंद था, उसके बाद में इसे दिल्ली ले जाया गया, लेकिन सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद में इसने बताया कि मेरी जान को यहाँ पर खतरा है, इसलिए इसे गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर इसके सारे जो कम्युनिकेशन थे वो रोक दिए गए हैं, परंतु जिस प्रकार से उसके बयान बाहर आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो वीडियो कॉलिंग करता है, जिस प्रकार से जेल में बैठा बैठा वो इंटरव्यू दे रहा है, इससे लगता तो नहीं उसका कम्युनिकेशन खत्म कर दिया गया है। लॉरेंस की पावर को आप इस बात से भी समझ सकते हो कि वो जेल में बैठे बैठे ये सारी घटना को अंजाम दे रहा है। बाबा सिद्दीकी जो मुंबई के बहुत बड़े नेता थे और वो MLA भी रह चुके, उनको वाई सिक्योरिटी मिल चुकी थी, इसके बावजूद भी उनकी हत्या करना ये बहुत बड़ा कदम है। इन सब से लॉरेंस क्या चाहता है? कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस ये सब इसलिए कर रहा है कि वो नेक्स्ट दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है। आज लॉरेंस की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लॉरेंस के नाम से कई सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेज अकाउंट भी बनाए गए हैं, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोज डाले जाते हैं। जहाँ तक रही बात सलमान खान की, तो अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा होनी चाहिए और उसे बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये बात केवल बिश्नोई समाज की नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, क्योंकि अगर किसी जानवर की हत्या करना और इसे कोई सही ठहराता है तो ये कतई सही नहीं है। बिश्नोई समाज ने जिस प्रकार से हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, जानवरों को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो हमेशा सराहनीय है और समाज इनका आभारी रहेगा। अगर कोई बॉलीवुड सुपरस्टार अपने घमंड के अंधकार में चकनाचूर होके इस प्रकार से किसी समाज की भावना को आहत करता है तो ये उसे कोई अधिकार नहीं देता है। अगर उसने अपराध किया है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। आगे मैं फिर से कहूँगा, अपराध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, समस्या का समाधान कानून ही हो सकता है, कानूनी रूप से ही न्याय दिलाया जा सकता है। अगर कानून में कमियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जाके हथियार उठा लो, समाधान कानून से ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद।